नमस्कार, मैं लखन सालवी, आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। घोषणा पत्र को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भंवर जी मेघवंशी। आपने हाल ही में सामाजिक न्याय यात्रा एक निकाली थी और उसके माध्यम से आपने जो है एक मैनिफेस्टो, अपना मैनिफेस्टो जारी किया था कि ये जो है सरकार को अपने घोषणा पत्र में इन घोषणाओं को शामिल करना चाहिए। तो वो जो घोषणा पत्र था, आपका जो घोषणा पत्र था, उसमें से कितनी चीज़ें जो है इसमें आ पाई है, राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, उससे आप कितना संतुष्ट है उसके बारे में आप बताएं। एक महीने की सामाजिक न्याय यात्रा अनुसूचित जाति अधिकार अभियान की तरफ से निकाली गई, 100 संवाद किए गए और उस संवादों में जो सुझाव हमारे पास आए उन सुझावों के आधार पर एक जयपुर घोषणा पत्र जो दलित समुदाय के मुद्दों को लेकर के जारी किया गया था और उसमें जो मुद्दे आए हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजे, भाजपा को भी भेजे, कांग्रेस को भी भेजे, रालोपा को भी भेजे, बसपा को भी, असपा को भी, आम आदमी पार्टी को भी, और सबकी तरफ से ये कहा गया था कि उनका जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें अधिकांश मुद्दे शामिल किए जाएंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें अनुसूचित जाति के मुद्दों पर केवल 6 बिंदु हैं और वो 6 बिंदु भी बहुत ही घिसे पिटे और सामान्य बिंदु हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि सबके जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, या अम्बेडकर पीठ स्थापित किया जाएगा, जबकि अम्बेडकर पीठ ऑलरेडी राजस्थान में स्थापित है, अम्बेडकर फाउंडेशन। तो कुछ उम्मीद की बात हमें नहीं लगी, हमें उम्मीद थी कि वो बात करेंगे दलितों पर अत्याचार की, क्योंकि उनका पूरा कैंपेन दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान के टैगलाइन के साथ चला है। लेकिन हमारी आशा तो तब ही टूट गई जब उन्होंने दलित अत्याचार के आरोपी बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को अपनी पार्टी में शामिल किया और तुरंत टिकट दे करके पुरस्कृत किया और उसका भी एक भारी विरोध चारों तरफ से हुआ। घोषणा पत्र में संदेश लिखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और घोषणा पत्र कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय कानून मंत्री और राजस्थान के ही दलितों के एक बड़े नेता अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद थी हमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है पूरी तरीके से दलितों को निराश करने वाला मैनिफेस्टो है। अब जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उस मैनिफेस्टो में अधिकांश बातों को उन्होंने समाहित किया है और बाबा साहब के जीवन दर्शन की बात को आगे ले जाने की बात है, उस विरासत को आगे ले जाने की बात उन्होंने कही है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकार की उन सब में अम्बेडकर चेयर स्थापित करने की बात हुई है, एट्रोसिटी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई है, ज़मीन के जो मामले हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की गई है, बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए, तो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे दलित किसानों की बात हो, दलित महिलाओं के लिए खास तौर पे एससी सब प्लान का पैसा 50% उनके लिए खर्च करने की बात की गई है और सब प्लान को कानूनी जामा पहनाने की भी बात की गई है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो कांग्रेस का घोषणा पत्र निश्चित रूप से दलितों को वादे हैं वो करता है और ये इससे भी स्थापित होता है कि भाजपा दलितों को केवल मोहरा बना रही थी और केवल उनका हल्ला मचा रही थी, जब उनको वादा करने की ज़रूरत पड़ी तो वादा करते वक्त वो बिल्कुल ही कमज़ोर साबित हुए हैं। और दूसरी पार्टियों का तो क्या ही कहिए, उन्होंने अपने घोषणा पत्र ही अभी तक जारी नहीं किए और मुझे नहीं लगता है कि वो घोषणा पत्र जारी भी करेंगे। तो ये दोनों जो मुख्य मुकाबले की पार्टियां हैं दोनों के घोषणा पत्र आए हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम भाजपा के घोषणा पत्र से निराश हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के हमें उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार रिपीट होती है तो वो निश्चित रूप से दलितों के हित में कुछ करेंगे।